अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे ही और वीडियो आपके लिए ला सकें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब मिलना आसान नहीं होता, सिर्फ विज्ञान में इनकी वजहें छिपी होती हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। एक ऐसा ही दिलचस्प सवाल ये है कि पृथ्वी टेढ़ी रहती है लेकिन गिरती क्यों नहीं? वो कौन सी चीज है जिस पर टिकी है धरती? विज्ञान ने इतनी ज्यादा प्रगति कर ली है कि हम जिस धरती पर रहते हैं उसके बारे में तमाम रहस्य हमें पता चलते गए। इसकी सुंदरता और हरी भरी वादियों के अलावा भी ऐसा बहुत कुछ है जो अब तक रहस्य बना हुआ है। कुछ खगोलीय घटनाएं भी ऐसी होती हैं जिसके पीछे की वजह विज्ञान भले ही जान ले लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। एक ऐसे ही सवाल पर आज हम बात करेंगे। आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि आखिर घूमती हुई धरती कैसे एक ही पथ पर चलती रहती है लेकिन कभी गिरती क्यों नहीं है? किसी ने यही पूछा कि आखिर धरती किस चीज पर टिकी हुई है जो गिरती ही नहीं। वैसे सवाल है भी दिलचस्प कि पृथ्वी टेढ़ी रहती है लेकिन गिरती क्यों नहीं? पृथ्वी को लेकर लोगों के अपने अपने विचार हैं। विज्ञान मानता है कि धरती गोल है लेकिन कुछ लोग अब भी हैं जो इस थ्योरी को नकार देते हैं और कहते हैं पृथ्वी गोल नहीं बल्कि सपाट है। वैसे तो पौराणिक कथाओं में लोग मानते हैं कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। जब लोगों ने ये सवाल पूछा तो कई यूजर्स ने अपने अपने जवाब दिए। इन जवाबों के आधार पर जो तथ्य निकल कर आया उसके मुताबिक दो पिंडों के बीच एक आकर्षक बल काम करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन के नियम के मुताबिक जितना जिस चीज का वजन होगा बाकी वस्तुओं पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही ज्यादा होगा। चूंकि सौर मंडल में सूर्य सबसे बाहरी पिंड है, ऐसे में उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है।